हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस MBA MCA। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्यूअल सिंप्लेक्स का एग्जांपल। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, मेरा ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको सब कुछ रूल्स यहाँ पे बता दूँ जो हमें फॉलो करने हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ रूल्स है ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड के। तो देखिए, पहला स्टेप क्या रहेगा, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। अभी देखिए, यहाँ पे अलग अलग तीन स्टेप्स रहेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखिए, इफ़ द मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन टाइप देन चेंज इट इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप। ठीक है, अगर आपका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन का है तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, अगर आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग विथ -1। ठीक है, सेकंड स्टेप देखिए, ऑल ग्रेटर दैन आर इक्वल टू कंस्टेंट्स टू लेस दैन आर इक्वल टू कंस्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग -1। यहाँ पे क्या देखा हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको कन्वर्ट करना है मैक्सिमाइजेशन में। सेकंड स्टेप देखिए, अगर आपके कंस्टेंट्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू टाइप के हैं तो उन्हें हमें कन्वर्ट करना है लेस दैन आर इक्वल टू टाइप में। थर्ड स्टेप देखिए, ट्रांसफॉर्म एवरी लेस दैन आर इक्वल टू कंस्टेंट इंटू एन इक्वल कंस्टेंट्स बाय एडिंग अ स्लैक वेरिएबल टू एवरी कंस्टेंट एंड असाइन अ जीरो कॉस्ट कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरलाइज फॉर्म से उसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कंस्टेंट रहेंगे उनको हम इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे हर एक कंस्टेंट में। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर रहे। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो वो कैसे करते हैं हम, फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय सेटिंग जीरो वैल्यू टू द डिसीजन वेरिएबल्स। जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल्स रहेंगे x1 x2 x3 तो उनकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे और वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। यहाँ पे हम देखिए जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं हम, JJ - CJ वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ये क्या है, अपनी ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन है। ठीक है, अभी तक हमने देखा सिंप्लेक्स मेथड और ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में हम सिर्फ यही एक चीज़ चेक करते थे JJ - CJ की, कि वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू टाइप का है या नहीं है। यहाँ पे और एक चीज़ हमें देखनी है ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में, देखिए ये जो XP जो वैल्यूज़ रहते हैं कंस्टेंट्स के, दैट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हमें ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में चेक करनी रहती है। देखिए क्या है स्टेप, इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ XB ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड JJ - CJ आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो देन करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, टर्मिनेट द प्रोसेस। अगर ये दोनों कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है तो हम वहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट करेंगे और जो भी सोल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, अपना फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, देखिए बी पार्ट क्या है, इफ़ एनी XP लेस दैन जीरो। देखिए यहाँ पे केयरफुली आपको ध्यान देना है, ग्रेट लेस दैन और इक्वल टू नहीं है, क्या है यहाँ पे, लेस दैन का कंडीशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में, अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका मतलब कैलकुलेशन आगे गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल यहाँ पे, इफ़ एनी XP लेस दैन जीरो देन सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव XP एंड दिस रो इज कॉल्ड की रो। देखिए अभी तक हम सिंप्लेक्स और मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करते थे और वो पर्टिकुलर कॉलम हम सिलेक्ट करते थे, उसको बोलते थे हम की कॉलम, और उसके बाद में फिर मिनिमम रेशो सिलेक्ट करके हम की रो सिलेक्ट करते थे, राइट। पहले की कॉलम उसके बाद में की रो, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम की रो सिलेक्ट करेंगे। कैसे रो सिलेक्ट करेंगे, हम XP की वैल्यू चेक करेंगे, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रहेगी XP की उस पर्टिकुलर रो को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ की रो। आ गया समझ में, तो यही मेजर डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कॉलम फाइंड आउट करेंगे, तो कि कॉलम फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे स्टेप क्या रहेगा, सी स्टेप देखिए, फाइंड मैक्सिमम रेशियो, कैसे करेंगे वो, JJ - CJ डिवाइडेड बाई की रो, जो भी अपना की रो यहाँ पे फाइंड आउट होगा उसको हम क्या करना है, यहाँ पे JJ - CJ की वैल्यू से की रो को डिवाइड करना है, राइट। एंड
की रो शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन अपने को वहाँ पे चेक करनी है. एंड दिस कॉलम इज कॉल्ड द की कॉलम. तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे की रो सिलेक्ट करना है जो मोस्ट नेगेटिव रहेगा, उसके बाद में मैक्सिमम रेशो हमें सिलेक्ट करना है, राइट. तो की रो और की कॉलम हमें यहाँ पे मिल जाएगा और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके फिर हमें क्या करना है, फाइंड द न्यू सॉल्यूशन टेबल. आ गया समझ में? ठीक है, तो चलिए जितने भी स्टेप्स अभी हमने यहाँ पे देखे, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, उसके बाद में फिर इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, फिर टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, और ये की रो और की कॉलम को कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं अभी आपको एग्जांपल थ्रू बताती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए. तो चलिए अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. तो देखिए एग्जांपल क्या है, अपना मिनिमाइजेशन टाइप का एग्जांपल है. सॉल्व बाय ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 + 6x2 सब्जेक्ट टू, यहाँ पे देखिए कितने कंस्टेंट है, दो कंस्टेंट है, x1 + x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और सेकंड कंस्टेंट देखिए 4x1 + x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, यानी कि दोनों कंस्टेंट कौन से टाइप के हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइजेशन टाइप का. तो देखिए फर्स्ट स्टेप अपना क्या था, मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन टाइप, देन चेंज इट इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप. तो अभी हम क्या करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट करेंगे. द गिवन LPP इज, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू -5x1 - 6x2, ये हो गया अपना अभी ऑब्जेक्टिव टाइप मैक्सिमाइजेशन में. क्या किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई किया है. उसके बाद में देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू कंस्टेंट हमें कन्वर्ट करने हैं लेस देन और इक्वल टू टाइप में, मल्टीप्लाइंग विथ -1. तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, सब्जेक्ट टू -x1 - x2 लेस देन और इक्वल टू -2, यहाँ पे -4x1 - x2 लेस देन और इक्वल टू -4. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, x1, x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेप 1 को कंप्लीट किया है. उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर LPP को जनरलाइज फॉर्म से कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखिए, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू -5x1 - 6x2 सब्जेक्ट टू -x1 -x2 + s1 इज इक्वल टू -2, और सेकंड कंस्टेंट -4x1 - x2 + s2 इज इक्वल टू -4. यहाँ तक अपने स्टेप 1 कंप्लीट हो गई. स्टेप 2 देखिए, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है. अभी इसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं वो हमें ऐड करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में विथ 0 कोएफिशिएंट. तो कैसे लिखेंगे हम, +0s1 + 0s2. तो देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 = x2 = क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे. तो देखिए हमें कैसे मिल जाएगा, s1 = -2 और s2 = -4. तो देखिए इस तरीके से ये आ गया अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. अभी हमें क्या करना है, इनिशियल टेबल बनाना है. तो इनिशियल टेबल में देखिए हम कौन से वेरिएबल्स लेंगे, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स को लेंगे. देखिए यहाँ पे अपने पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x1, x2, s1, s2. x1 का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यहाँ पे देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, -5. x2 का क्या है, -6. s1 का क्या है, 0. s2 का क्या है, 0. ठीक है, यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स लेंगे, स्लैक वेरिएबल्स लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा आपका s1, यहाँ पे आएगा आपका s2. देखिए फर्स्ट कंस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास,
माइनस टू और यहाँ पे कितना है माइनस फोर, ठीक है। और ये एस वन का देखिए कोएफिशिएंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एस वन का कोएफिशिएंट है जीरो, एस टू का कोएफिशिएंट है जीरो, ठीक है। और यहाँ पे आप हम कौन से वैल्यूज लिखेंगे कंस्टेंट वन की, तो देखिए एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है कंस्टेंट वन में माइनस वन, एक्स टू का क्या है माइनस वन, एस वन का क्या है वन, एस टू नहीं है तो ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड कंस्टेंट माइनस फोर कोएफिशिएंट है एक्स वन का, एक्स टू का क्या है माइनस वन, एस वन नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, एस टू है तो वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया ये इनिशियल टेबल। उसके बाद में देखिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे की रो सिलेक्ट करना है। तो की रो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, ये देखिए इफ़ एनी एक्स पी लेस देन आर इक्वल टू जीरो देन सिलेक्ट द मोस्ट निगेटिव एक्स पी एंड दिस रो इज कॉल्ड द की रो। अभी आप यहाँ पे देखिए एक्स पी के जो दोनों वैल्यूज है दोनों भी क्या है निगेटिव है, राइट। तो हमें दोनों में से मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सी है माइनस फोर, तो इस पर्टिकुलर रो को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए क्या है स्टेप, दिस रो इज कॉल्ड की रो। उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम रेशो फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, जे जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय की रो। अभी की रो अपना कौन सा आ गया, की रो देखिए एस टू आ गया। उसके पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जे जे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो जे जे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये देखिए जीरो इंटू माइनस वन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ये वैल्यू भी कितनी आएगी, यहाँ पे भी देखिए ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो आएगा और ये भी ज़ीरो आएगा। अभी उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जेड जे माइनस सी जे। तो देखिए ज़ीरो माइनस माइनस फाइव, तो ये कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा ज़ीरो और ये आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम रेशो। तो मैक्सिमम रेशो का फार्मूला क्या रहेगा अपने पास, जेड जे माइनस सी जे, जे जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई की रो। की रो कौन सा है अपना एस टू, और एस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास, लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू नहीं, यहाँ पे सिर्फ लेस देन की वैल्यू हमें नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करनी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, मैक्स ऑफ जे जे माइनस सी जे की वैल्यू, यहाँ पे देखिए कितने हैं, जे जे माइनस सी जे की वैल्यू फाइव, फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फोर। उसके बाद में देखिए सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ज़ीरो और वन वैल्यूज है, राइट। एस टू की वैल्यू देखिए क्या है, ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कंडीशन बोली, इट शुड बी लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो होने की वजह से हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे डैश कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ज़ीरो है और एस टू की वैल्यू क्या है वन, लेकिन कंडीशन क्या है कि एस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन, यहाँ पे हम भी वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डैश करेंगे, ठीक है। फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फोर कितना हो गया, माइनस वन पॉइंट टू फाइव, और ये कितना हो गया माइनस सिक्स, और ये दोनों वैल्यू तो हमने लिए नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन ज़ीरो वैल्यू वो फुलफिल नहीं हो रही, राइट। तो इन दोनों में देखिए मैक्स वैल्यू कौन सी मिल गई अपने को, माइनस वन पॉइंट टू फाइव, राइट। यानी कि माइनस वन पॉइंट टू फाइव कहाँ पर आ गए, यहाँ पे फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फोर, बराबर। माइनस वन पॉइंट टू फाइव कहाँ पर आ रहे हैं, फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फोर यहाँ पर मिल रही है। तो यानी कि कौन सा कॉलम आ गया, एक्स वन का कॉलम आ गया। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एस टू क्या हो गया अपना, की रो हो गया। कैसे सिलेक्ट किया, एक्स पी की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव ली और यहाँ पे हमने एस टू रो को सिलेक्ट किया। कॉलम सिलेक्ट कैसे किया, बाय यूजिंग द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम रेशो हमने सिलेक्ट किया, वो कहाँ पे मिल गया अपने को, एक्स वन कॉलम में। तो ये क्या हो गया अपना कि कॉलम हो गया। अभी एस टू क्या है, यहाँ पे लिविंग वेरिएबल है और x1 क्या है, एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे देखिए s2, s2 क्या है, यहाँ पे लिविंग वेरिएबल है, राइट। तो देखिए s2 के यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो s2 के वैल्यूज़ क्या है, 0 और 1, राइट। ये s1 और s2 जो अपना इनिशियल टेबल होता है, s1 और s2 यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए s1 की वैल्यू क्या है, 1 0, और s2 क्या है, 0 1। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, s2 लिविंग वेरिएबल है, तो हम लिविंग वेरिएबल जो रहेगा उसके वैल्यूज यहाँ पे चेक करेंगे। तो s2 की वैल्यू क्या है, देखिए 0 और 1। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी माइनस फोर की जगह पे हमें क्या लाना पड़ेगा, अभी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा, राइट।
और यहाँ पे क्या है माइनस वन, तो माइनस वन की जगह पे हमें क्या लाना पड़ेगा, जीरो लाना पड़ेगा। आ गया समझ में? जो लिविंग है उसकी तरह यहाँ पे वैल्यू हमें बनानी है, माइनस फोर की जगह पे वन और माइनस वन की जगह पे जीरो। तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट जो अपना फर्स्ट टेबल रहेगा वहाँ पे कैलकुलेशन क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर रो को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस फोर से डिवाइड करना पड़ेगा बराबर, तभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे इस रो को बोल दूँ आर वन और इस रो को बोल दूँ मैं आर टू, राइट, तो आर टू में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर, यानी कि आर टू डिवाइडेड बाय माइनस फोर, तभी जाके हमें यहाँ पे वन मिलेगा। तो चलिए अभी हम नया वाला टेबल बना के लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कैसे किया है इस टेबल में, कि रो कैसे सिलेक्ट किया, कि कॉलम कैसे सिलेक्ट किया, वो मैंने पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा है, सो दैट मतलब आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरे स्टेप्स मैंने लिख के रखे हैं। एंटरिंग वेरिएबल अभी क्या बन गया अपना, एक्स वन बन गया। लिविंग वेरिएबल क्या है अपना अभी, एस टू है। और की एलिमेंट यहाँ पे देखिए कि कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, माइनस फोर, राइट। अभी मैंने बोला आपको कि यहाँ पे माइनस फोर की जगह पे हमें क्या करना है, वन लाना है। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखिए नेक्स्ट टेबल में हम यहाँ पे आर टू नहीं दिखाएंगे, आर टू डैश दिखाएंगे। तो आर टू डैश की वैल्यूज़ कैसे आ जाएंगी, माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस फोर, माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस फोर, जीरो डिवाइडेड बाई माइनस फोर और वन डिवाइडेड बाई माइनस फोर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ये देखिए आर टू डैश, अभी आर टू की वैल्यूज़ क्या क्या है अपने पास, माइनस फोर माइनस वन, ये देखिए माइनस फोर माइनस वन, ज़ीरो और वन, डिवाइडेड क्या करना है अपने को, माइनस फोर से करना है, माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर। तो ये देखिए क्या आ गया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वन बाई फोर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन बाई फोर। और यहाँ पे भी देखिए कैसे आ जाएगा, ये माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर, तो यहाँ पे भी देखिए माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो देखिए नए वाले वैल्यूज़ क्या क्या आ गई अपने पास, वन 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 बाई फोर, ज़ीरो और माइनस वन बाई फोर। अभी देखिए यहाँ पे एस वन था वो एज इट इज़ आ जाएगा एस वन, और एस टू की जगह पे कौन था, इंटरिंग वेरिएबल यानी कि एक्स वन आ जाएगा, राइट। और एस वन का यहाँ पे देखिए उसके कोएफिशिएंट जो अपने मेन वेरिएबल्स थे उनके कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से एज इट इज़ लिखने थे। एक्स वन का क्या था, माइनस फाइव, एक्स टू का क्या था, माइनस सिक्स, एस वन ज़ीरो एस टू ज़ीरो। एस वन का देखिए कोएफिशिएंट क्या है, ज़ीरो। एक्स वन का कोएफिशिएंट देखिए माइनस फाइव, राइट। अभी हमने ये क्या था अपना आर वन डैश और ये क्या था अपना आर टू डैश। तो देखिए आर टू डैश में अभी नए वाले वैल्यूज़ क्या क्या मिल गए अपने को, वन 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 बाय फोर, ज़ीरो और माइनस वन बाय फोर। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका वन, यहाँ पे आ गया वन, ये आ गया वन बाय फोर, ये आ गया ज़ीरो और ये आ गया माइनस वन बाय फोर, ठीक है। अभी देखिए ये आर टू डैश का यूज़ करके हमें किसका कैलकुलेशन करना है, आर वन डैश का। अभी यहाँ पे देखिए नए वाले वैल्यूज इस रो में क्या है, वन है और यहाँ पे क्या है, माइनस वन है। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे हम, आर वन डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डैश। देखिए ओल्ड वैल्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे, माइनस टू माइनस वन माइनस वन वन ज़ीरो, तो माइनस टू प्लस वन तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस वन, माइनस वन प्लस वन तो कितना आ गया, ज़ीरो, माइनस वन प्लस वन बाय फोर। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाय फोर। नेक्स्ट देखिए तो देखिए इस तरीके से आर वन डैश के नए वाले वैल्यूज़ क्या मिल गए अपने को, माइनस वन ज़ीरो, माइनस थ्री बाई फोर वन और माइनस वन बाई फोर, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे ऑप्टिमलिटी की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। उसके पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जेड जे की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस फाइव, ये ज़ीरो, ये क्या हो गया, माइनस फाइव, ये देखिए ज़ीरो, ये क्या हो गया, माइनस फाइव बाय फोर, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया और यहाँ पे देखिए
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5y 4। अभी क्या निकालना हमें, जे जे माइनस सी जे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 5 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस 5y 4 प्लस 6 हो जाएगा 19y 4, ये कितना हो गया देखिए 0 हो गया, और ये कितना हो गया 5y 4 आ गया। अभी देखिए फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे जे जे माइनस सी जे की कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे पूरे वैल्यूज हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहे हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमें क्या करनी है, एक्स पी की वैल्यूज भी, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी रहती है। फर्स्ट हमें जे जे माइनस सी जे की वैल्यूज चेक करनी है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं, और सेकंड थिंग क्या कि एक्स पी की वैल्यू लेस देन 0 है क्या, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है, राइट। यानी कि हमें आगे और यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए एक्स पी की यहाँ पे एक ही वैल्यू है -1, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर रो को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ की रो। तो की रो कैसे सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। नाउ S1 बिकम्स द की रो। नाउ फॉर की कॉलम यूज मैक्सिमम रेशो। अभी क्या करना पड़ेगा हमें कि कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम रेशो फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ फॉर की कॉलम यूज मैक्सिमम रेशो। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, मैक्सिमाइज जे जे माइनस सी जे। अभी की रो कौन सा है, यहाँ पे S1 है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे S1, वेयर S1 शुड बी लेस देन 0, राइट। मैक्स ऑफ जे जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई S1। जे जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे भी S1 की वैल्यू क्या है 0, यानी कि यहाँ पे लेस देन 0 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, डैश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19/4 डिवाइडेड बाय S1 की वैल्यू क्या है -3/4, ठीक है। यहाँ पे देखिए जे जे और सी जे की वैल्यू क्या है 0, और S1 की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि लेस देन 0 क्या है नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट देखिए जे जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या है 5/4, और S1 की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, यानी कि -1/4 हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, मैक्स ऑफ ये आ गया माइनस, ये देखिए ये कितना हो जाएगा -19/3, ये डैश हो गया, और ये कितना हो गया -5/1, राइट। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, मैक्स ऑफ -19/3, और ये आ गया -5, राइट। तो देखिए इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, अभी 5 है। ये 5 वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि मैक्सिमम रेशो यहाँ पे हमें कहाँ पे मिल रहा है, S2 में मिल रहा है। तो S2 अभी क्या बन गया अपना, कि कॉलम बन गया। तो अभी हम पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी S1 यहाँ पे क्या है, लिविंग वेरिएबल है, और S2 क्या है अपना, एंटरिंग वेरिएबल है। आप बोलेंगे कि मैम ऑलरेडी देखिए S2 तो अपना लिव हो गया था, फिर से ये एंटरिंग वेरिएबल कैसे आ रहा है। तो देखिए वैसे भी केस हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मतलब एक बार वो टेबल से लिव हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता है। S1 और S2 जो स्लैक वेरिएबल से, वो दोबारा एंटरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेबल में क्या है, अभी अपना S1 लिविंग है और S2 एंटरिंग वेरिएबल है, राइट। अभी देखिए S1 का यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, S1 का देखिए 1 और 0, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए हमें क्या वैल्यूज़ लानी पड़ेंगे, यहाँ पे वैल्यू लानी पड़ेगी अपने को, -1/4 की जगह पे लाना पड़ेगा 1, और यहाँ पे -1/4 की जगह पे लाना पड़ेगा 0। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अभी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी जो हम नया टेबल बनाएंगे, वहाँ पे ये रो क्या बन जाएगा R1" और ए रो क्या बन जाएगा अपना R2", ठीक है। तो R1" में क्या कैलकुलेशन करना है हमें, ये जो की एलिमेंट है अपना -1/4, की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट -1/4, इसको बनाना है हमें 1, ठीक है। तो ऑपरेशन देखिए कैसे परफॉर्म करेंगे हम, देखिए जो अभी अपना नया टेबल बनाने वाले हम, वहाँ पे हमें क्या लाना है, ये जो अपना की एलिमेंट है -1/4, अभी इसको 1 बनाना है। तो R1 पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो दैट हमें यहाँ पे 1 मिल जाए। तो देखिए कैसे होगा, R1 जो नए वाले वैल्यूज रहेंगे वो कैसे करना पड़ेगा, R1 -4।
अभी देखिए आर वन डैश की वैल्यूज क्या क्या है अपने पास, माइनस वन किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, माइनस फोर से, ठीक है, माइनस वन इंटू माइनस फोर, उसके बाद में ज़ीरो इंटू माइनस फोर, माइनस थ्री बाई फोर इंटू माइनस फोर, वन इंटू माइनस फोर, और क्या है, माइनस वन बाई फोर इंटू माइनस फोर। तो देखिए इस तरीके से ये आ गया आपका फोर, ये आ गया ज़ीरो, ये कितना आ गया माइनस माइनस फोर मतलब कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ थ्री बचा, ये कितना आ गया माइनस फोर, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये फोर फोर कट हो गया माइनस फोर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यूज़, वन आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये नए वाले वैल्यूज़ अभी हम पुट करेंगे आर वन डबल डैश के लिए। यहाँ पे देखिए एस वन क्या है, लिविंग है, और एस टू एंटरिंग है, तो एस वन की जगह पर हम क्या लेंगे अभी, एस टू लेंगे। तो देखिए एस टू का कोएफिशिएंट क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ज़ीरो लेंगे। एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस फाइव, बराबर। तो देखिए अभी नए वाले वैल्यूज़ क्या आ गए अपने एस टू के, फोर ज़ीरो थ्री माइनस फोर और वन, ठीक है। कि अभी हमें क्या करना है, नए वाले वैल्यूज़ निकालने हैं आर टू डबल डैश के। तो देखिए वो उस आर टू डबल डैश के वैल्यूज़ हम कैसे यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग आर वन डबल डैश। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, आर टू डबल डैश का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए आर टू डैश प्लस वन बाय फोर इंटू आर वन डबल डैश। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें कौन से वाले वैल्यूज़ मिल जाएंगे अभी। तो देखिए ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आर टू डैश के ओल्ड वैल्यूज़, आर टू डैश के ओल्ड वैल्यूज़ क्या थे, वन 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 बाई फोर ज़ीरो और माइनस वन बाई फोर, राइट। और उस पर हम क्या करेंगे, ये वाले जो नए वैल्यूज़ मिले थे अपने को उनको हम क्या करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे, और ये दोनों रो को हम ऐड करने के बाद नए वाले वैल्यूज़ हमें मिल गए यहाँ पे एक्स वन के, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जेड जे कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए ये ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया माइनस टेन, ये ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया माइनस फाइव, ये ज़ीरो, ये क्या हो गया माइनस फाइव, ये ज़ीरो और ये प्लस फाइव, ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो, तो जेड जे हो गया। अभी क्या निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे, तो देखिए माइनस फाइव प्लस फाइव कितना हो गया यहाँ पे, ज़ीरो हो गया, माइनस फाइव प्लस सिक्स कितना आ गया, वन आ गया, फाइव माइनस ज़ीरो फाइव, और ये यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमने कैलकुलेशन किया है इस टेबल में, आप देख सकते हो कि एक्स पी के जो वैल्यूज़ है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। और यहाँ पे अगर देखते हो आप जे जे माइनस सी जे की ऑल वैल्यूज़ भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि देखिए जो अपना फर्स्ट स्टेप था ऑप्टिमलिटी कंडीशन का, इफ़ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, देखिए यहाँ पे हमें ग्रेटर देन ज़ीरो मिल रही है, राइट, एंड जे जे माइनस सी जे ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, देन करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, टर्मिनेट द प्रोसेस। अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस टर्मिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया है, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस ऑल जे जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑल्सो एक्स पी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, द करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमम, द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज गिवन बाय, अभी देखिए एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स वन की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, टू मिल रही है, और यहाँ पे क्या है S2, यानी कि यहाँ पे X2 को तो नहीं है, तो X2 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें जे जे की यानी कि जो अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो कितना मिल गया है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए माइनस टेन। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन बाय X1 की वैल्यू क्या मिली है, टू, X2 नहीं है तो वहाँ पे हम X2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। तो मैक्सिमाइजेड इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेशन किया हमने, ज़ीरो इंटू फोर प्लस माइनस फाइव इंटू टू, ज़ीरो इंटू फोर प्लस माइनस फाइव इंटू टेन, टू। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, माइनस टेन, राइट। लेकिन ये किसके लिए मैंने, हमें मैक्सिमाइजेशन फंक्शन के लिए मिले, लेकिन जो अपना मेन एग्जांपल है वो कौन से टाइप का है, मिनिमाइजेशन टाइप का है, जिसको हमने कन्वर्ट किया था मैक्सिमाइजेशन टाइप में, यानी कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनिमाइजेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी, माइनस मैक्स ऑफ जेड, तो माइनस माइनस टेन, तो इस तरीके से आगे अपना ये प्लस टेन, आगे समझ में। तो देखिए इस तरीके से हमने एग्जांपल सॉल्व किया है यूजिंग ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।